हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका स्वागत का मित्र, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज हम बनाएंगे शानदार और जानदार चिकन कोरमा। कैसे बनाएंगे ये जानने के लिए बने रहिए स्वागत के सफर में। चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो प्याज को फ्राई कर लिया है, और जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया है उसी ऑयल का हम यूज करेंगे कोरमा बनाने के लिए। 100 ग्राम दही लेंगे, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसमें डालेंगे एक प्याज का पेस्ट, 2 चम्मच डालेंगे इसमें सूखे नारियल का पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। सूखे मसाले में सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर। इन सभी को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम रख देंगे इसको एक साइड पर। तेल को करेंगे कढ़ाई में गरम। तेल गरम हो गया तो अब हम डालेंगे इसमें चिकन। थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे इसमें, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम हाई हीट पर तकरीबन 2 मिनट तक जब तक फ्राई करेंगे, जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। चिकन को हमने हाई हीट पर 2 मिनट तक भून लिया। अब हम डालेंगे इसमें दही और मसाले का मिक्सचर। दही और मसाले के पेस्ट को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हाई हीट पर इसको दोबारा तकरीबन 2 मिनट भून लेंगे। मसाले और चिकन को हाई हीट पर भूनने से इसमें दाना पड़ जाएगा। दही और मसाले के पेस्ट को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया। ये देखिए रोगन ऊपर आ गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप दूध, ये उबला हुआ दूध है। दूध को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम कर देंगे इसको कवर और लो हीट पर इसको तकरीबन 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। जब तक कुक करेंगे जब तक कि चिकन अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए। चिकन को कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो ओपन करते हैं और कंडीशन चेक करते हैं। चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें फ्राइड अनियन, जिसको हाथ से क्रश कर लिया है। इसी के साथ डालेंगे इसमें रोस्टेड और क्रश मखाने। अब हम गैस फ्लेम कर देंगे हाई, और हाई फ्लेम पर इसको 2 मिनट तक भून लेंगे। फ्राइड अनियन को डालने के बाद में इसको हाई हीट पर भूनना है। ऐसा करने से इसमें कोरमे वाला दाना बन जाएगा। ये देखिए चिकन को हाई हीट पर हमने 2 मिनट तक भून लिया। अब हम डालेंगे इसमें खुशबूदार गरम मसाला। इसी के साथ डालेंगे इसमें केवड़ा बटर। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। गरम मसाला और केवड़ा डालने के बाद में हम इसको ज्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 1 मिनट तक कुक करेंगे, वो भी लो हीट पर। हाँ जी मेरे स्वागत के मित्रों, ये देखिए शानदार दानेदार चिकन कोरमा बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं।